ये कहानी है देश के लिए हमेशा खड़े रहने वाले सैनिक की। नाम सुम्मा कुमरे, जिनकी कहानी आपकी आंखें नम कर देगी। फटे हुए कपड़े, आंखों में आंसू, लंगड़ाते हुए चलना, ये फौजी आपको आज की कहानी बता रहा है। मध्य प्रदेश के गांव बुरहानपुर में रहने वाले सुम्मा की कहानी उनकी आज की हालत बयां करती है। सुम्मा कुमरे ने पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दी हैं, मेडल जीते हैं, लेकिन आज वो दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए हैं। जैन साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुम्मा कल्लू कुमरे। कब भर्ती हुए थे फौज में? साहब मेरे को तो ख्याल नहीं है कौन सा सन था। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही? मैं नागालैंड रहा, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा, चाइना बॉर्डर पे रहा, कलकत्ता रहा और चीन की और पाकिस्तान की। और फिर मैं रानीखेत सेंटर से 1957 में सेवानिवृत्त हो गया। कितनी तनख्वाह मिलती थी? जब मेरे को 40 रुपये मिलते थे। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं चांदनी 1 ग्राम का रहने वाला हूँ। एक लड़का है, एक लड़की है। तो यहाँ लड़के के साथ नहीं रहते आप? लड़के के साथ रहते पर वो भगाते हैं हमको। क्यों? बोलते तुम जाओ कहीं भी रहो, पैसा भी देते हैं हम, खाने को भी खरीद के देते हैं, पैसा भी देते, कपड़े भी बनाते, जूते चप्पल भी सब बनाते, 12 महीने अनाज पुराते हम। क्यों नहीं रखते घर में? वो उसकी बीबी बोलती है तुम जाओ यहाँ से। वो लड़का तो खाना भी देता है, एक टाइम काम पे से आता है शाम के शाम, दिन में नहीं देते खाना वो हमको। कब से घर से बाहर हो? कब से बाहर हो? अभी हम तो ऐसे करते करते तो पूरे साल बीत रहा है साहब। हाँ, तो कहाँ रहते फिर? कभी रख लेते हैं, कभी भगा देते, कभी रख लेते, कभी भगा देते। कहाँ रहते हैं? इधर उधर रहते हैं। ये ठेले पे? हाँ, कहीं ठेले पे सोते, कहीं वो बेंचों पे सो जाते, पेट्रोल पंप वालों के बम्प पे, कहीं किसी के घर भी सो जाते। कोई मना नहीं करता ठेले पे यहाँ रहते हो? करते बेचारे, मगर पड़े रहते हैं, नहीं करते ठेले वाले। खाना वाना कहाँ खाते हो? खाना लाज में खाते हैं। कहाँ खाते? कहीं भी खा लेते, यहीं बैठ के खा लेते लाके, नहीं तो कभी वहाँ लाज में भी खा लेते। तो जब लड़का और उसकी बहू आपको ऐसा भगा दे रहे, आप अलग मकान रह के क्यों नहीं रहते और उनको पैसे देना क्यों नहीं बंद कर देते आप? और छोटे छोटे बच्चों की वजह से देना पड़ता है साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं दो, उनकी वजह से। कभी शिकायत नहीं किया आपने पुलिस को? नहीं किया साहब। क्यों नहीं की? अब वो अंदर जाएंगे तो इसलिए नहीं करते, बच्चे इनको कौन संभालेगा? समाज के लोगों ने कभी कोशिश नहीं की मिलाने की? नहीं करती पंचायत में? नहीं करती साहब। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो बस हिलमिल से रहे, हमको मारे भगाए नहीं, बस यही चाहते हैं। चाहते हाँ हाँ जाना चाहते हैं। अभी पैसे कितने मिलते हैं पेंशन? मेरे को 25,000। कहाँ खर्चा करते मेरा? अभी तो मकान में खर्च कर दिए साहब। नया मकान बनाया? हाँ साहब। कितने का? वो लग गए होंगे साहब 1.5-2 लाख। इनको पैसे कितने देते बच्चों को? बच्चे को भाई अनाज पुरता दे देते और कपड़े पुरता, हाँ जूते चप्पल पहनना हो दे देते, और फिर दारू के लिए भी मांगता है। हाँ, ये बात आपने मेरी नॉलेज में लाई है
और जो भी वरिष्ठ जन हैं उनकी सेवा करना, उनकी देखरेख करना उनके बच्चों का कानूनी दायित्व है। नैतिक दायित्व तो है, कानूनी दायित्व भी है। यदि ऐसा है तो मैं संबंधित जो SDM है मैं उनको निर्देश दूंगा कि जाके इसकी वो जांच करे और जो इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें।